तो चुनावी अखाड़ा में अब सबसे पहले हम बात करेंगे सोनीपत लोकसभा सीट की। सोनीपत लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से विधायक मोहनलाल बड़ोली चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा है। सतपाल ब्रह्मचारी की पहचान एक संत के तौर पर भी है, इस क्षेत्र में उनका अच्छा खासा प्रभाव भी माना जाता है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली की छवि भी एक अच्छे साफ सुथरे नेता के तौर पर है, लिहाजा मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। सोनीपत लोकसभा सीट का लेखा जोखा। सोनीपत लोकसभा सीट 1977 में अस्तित्व में आई। पहली बार 1977 में जनता पार्टी के मुख्तियार सिंह मलिक सांसद चुने गए थे। 1980 में चौधरी देवीलाल ने सोनीपत सीट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर संसद की दहलीज पर कदम रखा। 1984 में एक बार फिर चौधरी देवीलाल ने यहां से ताल ठोंकी। उनके राजनीतिक कद और पिछली जीत को देखते हुए दूसरे दलों को हार का डर था। कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मलिक मैदान में उतरे। पहले लग रहा था कि धर्मपाल मलिक चुनाव हार जाएंगे, लेकिन मतगणना के दिन चौंकाने वाले नतीजे आए। 1984 में चौधरी देवीलाल को धर्मपाल मलिक के हाथों हार का सामना करना पड़ा। सोनीपत लोकसभा अपने अस्तित्व में आने के बाद से चौंकाने वाले परिणाम देने के लिए जानी जाती है। कई चुनावों में ऐसे परिणाम आए हैं जिसमें उम्मीद के विपरीत कद्दावर और नामी नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के मतदाता एक बार राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को नकार कर निर्दलीय को चुनकर संसद में भेज चुके हैं। बता दें कि उलटफेर नतीजे देने वाली सोनीपत लोकसभा सीट का चुनाव अब तक के सबसे कड़े मुकाबले में फंसा है। आपने लोकसभा चुनाव में बड़े बड़ों का अहंकार मिट्टी में मिला दिया। जिनको भ्रम था कि सोनीपत रोहतक जींद समेत इस पूरे क्षेत्र के मालिक है, उनको आप सभी ने, जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया। सार्वजनिक जीवन में जीने वालों के लिए हरियाणा की जनता ने बहुत बड़ा सबक सुनाया है। जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। लेकिन जो जनता जनार्दन को ईश्वर न मानते हुए खुद को ही शहंशाह मानने लग जाते हैं, अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, तो उनका वही हाल होता है जो हरियाणा की जनता ने लोकसभा के चुनाव में करके दिखाया है। खास बात यह है कि खापलैंड में इस बार भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर है। जीत हार का अंतर कुछ ही वोटों का रहने वाला है। कई समीकरणों ने सोनीपत के चुनाव को रोमांचक बनाने के साथ ही उलझा दिया है। हैट्रिक की दहलीज पर खड़ी भाजपा ने दो बार के सांसद रमेश कौशिक का टिकट काटकर राई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहनलाल बड़ोली पर दांव लगाया है। खुद को पार्टी का समर्पित सिपाही बताकर वो जनता से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जिन्होंने यहाँ की शांत समर्थ और संकल्पशील बिरादरी में बंटवारे का जहर घोलने का प्रयास किया, उनको आपने सबक सिखा दिया। आपने बता दिया कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, उसकी इच्छा ही सबसे ऊपर होती है। साथियों, हरियाणा के सोनीपत के संस्कार ऐसे ही बने। इस मिट्टी में ही सद्भाव है, इस मिट्टी में ही सदाचार की सीख है।
सोनीपत का तो मतलब ही है किसान, जवान और पहलवान। सोनीपत की स्त्री शक्ति को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के, कदम से कदम मिलाकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के आपके सपनों को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश की है। और अगले 5 वर्ष में इसी त्रिशक्ति के दम पर हमने एक सशक्त हरियाणा, सशक्त हिंदुस्तान बनाने का संकल्प लिया है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा की हैट्रिक रोकने और वापसी के लिए जींद के सतपाल ब्रह्मचारी को उतारा है। शुरुआत में 2 महीने तक सतपाल के नाम की कोई चर्चा नहीं थी। बहरहाल हुड्डा के करीबी होने का उन्हें फायदा मिला है। वैसे तो उनका जन्म जींद के गंगोली गांव में हुआ था, लेकिन पिछले 2 दशक से वो हरिद्वार शहर से कांग्रेस की राजनीति करते आए हैं। कांग्रेस के टिकट पर सतपाल ब्रह्मचारी ने 2012 और 2022 में हरिद्वार से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार भाजपा उम्मीदवार से उन्हें हार मिली। सतपाल ब्रह्मचारी फिलहाल लोगों से किसानों, मजदूरों, पहलवानों, महिलाओं और नौकरियां दिलवाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सोनीपत सीट का समीकरण, करीब 17.33 लाख मतदाता, ब्राह्मणवाद त्यागी करीब 12%, लगभग 6 लाख जाट वोटर, करीब 80% वोटर्स कांग्रेस समर्थक। इसके बावजूद पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं सोनीपत के रण को रोचक बनाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल से सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक अनूप दहिया और जजपा से भूपेंद्र मलिक मैदान में है। जाटों के गढ़ में भाजपा और कांग्रेस ने गैर जाट ब्राह्मण बिरादरी के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। इससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। दरअसल हर चुनाव से ऐन पहले लड़ाई जाट और गैर जाट में बदल जाती है। गैर जाट वोट एकमुश्त भाजपा की झोली में जाता है तो जाट वोट कांग्रेस के पक्ष में। पिछली दोहार से निराश जाट समुदाय इस बार बिल्कुल नहीं चाहता कि लड़ाई जाट गैर जाट में तब्दील हो। जाट बिरादरी के लोग जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो चुनाव हाथ से फिसल सकता है, इसलिए वो खुलकर ब्रह्मचारी का समर्थन कर रहे हैं। लोग एक कहने से भी नहीं चूक रहे कि इस बार 36 बिरादरी कांग्रेस को चुनाव लड़ा रही हैं। ब्राह्मण व त्यागी के करीब 12% वोट हैं, जो फिलहाल बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं महाराज जी के नाम से पहचाने जाने वाले सतपाल को भाजपा बाहरी के तौर पर पेश कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।